इस वक्त नवादा से एक बड़ी खबर आई है, जहां यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर घाटी में पलट गई है, जिसमें दो महिला की मौत की खबर मिल रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। NH 31 पर रजौली खारकुट घाटी के पास यह हादसा हुआ है। यात्री से भरी बस टाटा से बिहार शरीफ आ रही थी, जो अनियंत्रित होकर घाटी में पलट गई, जिसमें दो महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान नालंदा के नूरसराय के रहने वाले वीरेंद्र शर्मा की पत्नी कुसुम देवी के रूप में हुई है, तो वहीं दूसरी मृतक महिला की पहचान बिहार शरीफ के मुगल कुआं के मोहम्मद खुर्शीद की पत्नी रुखसाना खातून के रूप में की गई है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। विपिन कुमार शर्मा, कहाँ से आ रहे थे आप? हम लोग टाटा से आ रहे थे सर। कौन से बस थी? शिव शक्ति बस था सर। कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग बिहार शरीफ जा रहे थे सर। कहाँ एक्सीडेंट हो गया है? ये आपका सर जो बॉर्डर है बिहार शरीफ का, बस बॉर्डर से 3 किलोमीटर पहले टर्निंग के पास है सर।